परिवार चलाते हैं, बुधनी उनका परिवार है और बुधनी से उनकी 1 लाख से ऊपर भारी बहुमत से जीत रहेगी। आज तो विकास के काम गिनाने नहीं आए, रहती में ITI, रहती में कॉलेज, रहती में CM राज स्कूल, पूरा क्षेत्र हमारा परिवार की जैसा है। शिवराज मेरे महाभारत भारती के गुणगान गाएंगे, राष्ट्र वंदना के लिए हो जाओ तैयार, अवध में राम जी का मंदिर दिखाएंगे। चुनावी माहौल में स्टार माहौल बदल देते हैं। मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं और आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी, जहां पर शिवराज सिंह चौहान बतौर स्टार प्रचारक आज प्रचार करेंगे। हम दिन भर CM शिवराज सिंह चौहान के साथ बिताएंगे और जानेंगे कि किस तरह से एक स्टार जनता के दिलों पर सुपरस्टार बनकर राज करता है। चलिए चलते हैं। और इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं रहटी, और रहटी में आज की पहली तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं, स्टार प्रचारक CM शिवराज सिंह चौहान और रहटी में पहुंचे हैं। रहटी में शिवराज सिंह चौहान का स्वागत, और इसके बाद CM शिवराज सिंह चौहान रथ में सवार होंगे और रथ से सभा करेंगे, संपूर्ण विधानसभा के गांव-गांव में पहुंचेंगे। आज क्या शिवराज जी आए हैं? आज ये अवध गुप्ता नाम है मेरा, मेरे भाई साहब हैं, दोस्त जी। मैं क्या कहेंगे, मैंने उनके लिए स्वागत गीत लिखा है। अच्छा, स्वागत गीत किस तरह का है? बहुत अच्छा, आप सुनिए। बताइए, बगैर किसी भूमिका के सुना रहा हूँ आपके। अरे यार, भूमिका मतलब आप बताओ। क्रांति की पूजा करो इनके हवाले, अब देश के पुजारी बनो, कमल खिलाएंगे संपूर्ण राष्ट्र की वंदना के लिए, शिवराज का पुजारी हम कहाँ अब पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर स्वागत हो रहा है, साहब कौन आया है? कौन? शिवराज सिंह चौहान जी आए। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बड़े उत्सुक थे आप स्वागत के लिए जी। थोड़े से आगे बढ़े हैं और CM शिवराज सिंह चौहान इस समय रथ सभा कर रहे हैं, और जिसमें रथ में सवार हैं उसमें दो नारे बड़े अहम हैं, और सबसे पहले दिख रहा है आंधी नहीं तूफान शिवराज सिंह चौहान, और ऊपर देखें तो राम काज कीजे बिनु मोई कहां विश्राम। फिलहाल CM शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ इसी रथ में सवार हैं और रथ सभा करते हुए CM शिवराज सिंह चौहान। बुधनी विधानसभा में CM शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर स्वागत हो रहा है, तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं, बुलडोजर पर सवार हैं यहां के कार्यकर्ता, और CM शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह और उनके पुत्र कुणाल जिस रथ में सवार हैं, उस रथ का कार्तिकेय भी यहां पर इस रथ में सवार हैं, और आप देख पा रहे हैं बुलडोजर स्वागत। ये जो अद्भुत तस्वीर है, अनूठी तस्वीर है, ये बुधनी विधानसभा में क्षेत्र में देखने को मिल रही है। हालांकि बुलडोजर हैं, लेकिन बुलडोजर के बीच जो CM के पूरे परिवार पर बारिश हो रही है, वो फूलों की बारिश हो रही है, पुष्प वर्षा यहाँ पर हो रही है। CM शिवराज सिंह चौहान सभी जो कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन करते हुए, और जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ यहां पर बुलडोजर नजर आ रहे हैं। बुलडोजर से CM शिवराज सिंह चौहान के परिवार का स्वागत है, और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं CM शिवराज सिंह चौहान के साथ धर्मपत्नी साधना सिंह और उनके पुत्र जो कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन करते हुए। और समूचे हम प्रदेश में बात करें तो प्रदेश में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल हम बुधनी में मौजूद हैं, और बुधनी में आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तस्वीरें हैं, हटकर हैं, और CM शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर बुलडोजर से स्वागत हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आप ये तस्वीरें देखें, CM अपने परिवार के साथ आशीर्वाद लेने निकले हैं, और ये मध्य प्रदेश की उस विधानसभा में है जिस विधानसभा से CM शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं। और आप देखें बुलडोजर के बाद अब जो ट्रैक्टर स्वागत, यहां पर तस्वीरें हटकर दिखाई दे रही हैं, CM रथ में सवार हैं और जो स्वागत हो रहा है, कहीं पर बुलडोजर से स्वागत है, कहीं पर ट्रैक्टर से स्वागत है। ये जो स्वागत करता है मध्य प्रदेश के किसान है, ये बुधनी क्षेत्र के मतदाता है, और ये CM शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए, कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए, मतदाताओं का अभिवादन करते हुए। हम बुधनी विधानसभा की बात करें, अभी सिर्फ जो शुरुआत हुई है इसकी, और कई तरह की तस्वीरें हमको देखने को मिलेंगी। चौहान की उस विधानसभा में मौजूद है जहां से वो विधायक हैं, और काफिले के साथ हम साथ साथ चल रहे हैं, और दिन भर आज CM शिवराज सिंह चौहान यहां पर सभा करने वाले हैं। तस्वीर दिखाते हैं आपको कि तस्वीरों में जो CM शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर से स्वागत किया गया, उसके बाद ट्रैक्टर से स्वागत हुआ,
और अब अपने विधानसभा के जो अंदरूनी इलाके हैं, जो अंदरूनी गांव के इलाके हैं, वहां पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें हैं बुधनी में, हटकर दिखने वाली तस्वीरें हैं, अलग से दिखने वाली तस्वीरें हैं। और हम ठीक जो सीएम शिवराज सिंह चौहान का रथ है, उस रथ के ठीक आगे जो वाहन है उसमें हम चल रहे हैं। और मामा से मिलने के लिए बच्चे भी आ जाते हैं, लोग अपने बच्चों को अपने साथ लाते हैं, तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और जो तस्वीरों में हम देखें कि एक तरफ बच्चे हैं तो बुजुर्ग भी हैं। अभी और आगे दिन भर जो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा होगी, रथ होगी, आप देखिए जो लोग हैं इनको किसी ने बुलाया नहीं है। जिनके घर के आगे से सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये रथ निकलता है, वहां पर लोग बाहर आते हैं और पुष्प वर्षा कर जाते हैं। ये लोगों का कह सकते हैं प्यार है। लोग जहां से जा रहे हैं, तस्वीरों में आप देखें कि लोग वहां पर खड़े हो गए अभिवादन करने के लिए। आप तस्वीरों में देखें, ये तस्वीरें हटकर हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लोग इशारा करते हैं और शिवराज जी यहाँ पर रुक जाते हैं। लोग जहां जाने का बोलते हैं वहां पर शिवराज जी चल देते हैं। यही तो तस्वीर है। आप देखिए सेल्फी लेते हुए अंजी जी। आपने रोका शिवराज जी, भांजी ने रोका और मामा जी रुक गए। एक और भांजी यहाँ पर मौजूद है, शिवराज जी उससे मुलाकात करते हुए। मामा जी की दया से हमें स्कूटी मिली है, उनकी कृपा से आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, हमारे रेहटी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। उनको विजय बनाकर हम हमारे इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मामी के साथ में? हाँ, मामी के साथ में खड़े हैं। मामी के हाथ देखिए, ये बच्चों के लिए प्रति जो प्यार है पूरे परिवार का, वो सीधे तौर पर तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है मामा जी के ने इतना कुछ कराया रेहटी के लिए, और भी वो आगे करेंगे, आगे हम उनको और विजय बनाएंगे, उनको वोट देंगे। बड़े सहिष्णुता से मिल लेते हैं। बिल्कुल, हमारी बिटिया है, पूरा क्षेत्र हमारा परिवार की जैसा है। कभी हमें यहाँ परायापन नहीं लगता, जब भी आते तो परिवार में ही आते हम लोग। पराया नहीं लगता है सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जो धर्म पत्नी है साधना सिंह वो कह रही है। और जो हटकर तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश चुनाव की, वो तस्वीरें इस समय हमारे कैमरे में है। दोपहर का वक्त है थोड़े से और हम आगे पहुंचे हैं, हमें एक मंच दिखाई दिया है। और यहाँ पर देखें जो लाडली लक्ष्मियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, यहाँ पर दीप सजाकर खड़ी हुई हैं और हाथ में फूलों की थाली है। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? शिवराज सिंह मामा का। और बेटियाँ अपने आपने हाथ में फूल ले रखी हैं, किस पे चढ़ा रहे हैं, किसका स्वागत है? शिवराज सिंह मामा का स्वागत करने के लिए। आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान की जो नजर है बेटियों पर पड़ी है, और शिवराज सिंह चौहान का रथ इस ओर मुड़ गया है जिस ओर बेटियां हैं, और मुख्यमंत्री बेटियों पर पुष्प वर्षा करते हुए। दूसरे मंच पर बेटियां हैं, जैसे ही उन्होंने बेटियों को देखा और उनका रथ रुक गया, बेटियां शिवराज सिंह चौहान की आरती उतार रही हैं, शिवराज सिंह चौहान उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ये है बुधनी विधानसभा की तस्वीरें। क्या दादा, कहाँ से आयो, कहाँ से आयो? मतार। अच्छा। मैं बायां से आया हूँ जी, बायां से आया हूँ, और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पूर्ण बहुमत के साथ, भारी से भारी मतों के साथ जो है विजयी होंगे। मामा परिवार चलाते हैं, बुधनी उनका परिवार है, और बुधनी से उनकी 1 लाख से ऊपर भारी बहुमत से जीत रहेगी। और चुनाव के बीच सबसे अहम होती है सभा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस समय सभा ले रहे हैं, और देखें कि सभा सुनने के लिए जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। जीप में चले जाओ तो सूरत पहचान में नहीं आती थी, इतनी धूल जमती थी, लोग कहते थे ये तो काला पानी है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपका आशीर्वाद मिला, सड़कों का जाल पूरे क्षेत्र में बिछा, बिछा कि नहीं बिछा? अरे जोर से बताओ, बिछा कि नहीं बिछा? आज तो विकास के काम गिनाने नहीं आया। रहती में ITI, रहती में कॉलेज, रहती में सीएम राज स्कूल, रहती में नर्मदा जी का पानी, रहती में गरीबों के मकान, रहती में दशहरा मैदान, रहती में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कुछ दिया वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, हमने दिया। आप बताओ, कांग्रेस ने एक पत्थर भी कभी लगाया था क्या? कांग्रेस ने एक पत्थर तक कभी नहीं लगाया।
तो तमाम इलाके हैं वहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य कैसे पहुँची है वो सभा के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं। तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस रथ में सवार हैं वहाँ पर स्वागत के बीच भोजन करते हुए जैसे ही कुछ पल कुछ क्षण का समय मिलता है वो भोजन करते हैं क्योंकि बैठकर खाना खाने के लिए अलग से खाना खाने के लिए समय नहीं है। और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रचार के बीच रथ में खाना खिलाते हुए कि जैसे ही कुछ वक्त मिलता है रोड शो के बीच तो सीएम शिवराज सिंह चौहान खाना खाते हुए उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह बस में मौजूद है क्योंकि फुर्सत नहीं में बैठने के और खाना खाने की अलग से समय नहीं है। ऐसे में जब जहां रोड शो के बीच समय मिल जाता है सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर का भोजन करते हुए इस समय हम बुधनी विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान जी। हमने देखा सभाओं में हमने देखा है जहाँ जगह जगह स्वागत हो रहा है पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं ये तस्वीर कुछ हटके दिख रही है। महिला इतना उत्साह है इस बार महिलाओं में अपने भाई को वोट करने के लिए अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए क्योंकि भाई ने बहनों के लिए बहुत कुछ किया है एक मान सम्मान दिया है। अब देखें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह इस रथ में सवार हैं और जब ये रथ रुका है तो सीधे तौर पर डिमांड आई है निकल कर कि साधना सिंह भी बाहर आएँ उनसे जो लोग हैं वो मिलना चाहते हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। और ये अलग तस्वीरें ये अनूठी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो चुनावी रथ है वो उस रथ में देखें कि डिमांड आई निकल कर कि चर्चा हो और चर्चा करने के लिए। और सभा के बाद एक बार फिर साधना सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। हमने देखा सभा होती है डिमांड आती है कि आप भी नीचे उतर कर आएँ आप मिलजुल करती हैं क्या देखा आपने? बहने लोग जो मुझे कहती है कि भाभी से मिलना है तो मैं उनके बीच में चले जाती हूँ क्योंकि यहाँ से मेरा पुराना रिश्ता है। मैं 30 साल पहले यहाँ शादी होकर के आई थी तो 30 साल का हम लोग का यहाँ का रिश्ता है तो वही प्यार मुझे मिल रहा है। प्यार मिल रहा है। शिवराज जी बोल रहे हैं वो तो अब पूरे प्रदेश के दौरे पर रहेंगे बुधनी जो है लोगों को संभालना है आप भी यहाँ पर लगातार लोगों के बीच बनी रहेंगी? बिल्कुल हम कार्यकर्ताओं के साथ में इन लोग के बीच में बने रहेंगे सब लोग से मिलेंगे जुलेंगे बातचीत करेंगे। लेकिन चुनावी बात मैं इसलिए नहीं करती कि कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई साहब आप प्रदेश संभालिए चुनाव हम देखेंगे तो हमारा तो मिलना जुलना ही होते रहता सब लोगों से। तो चुनाव के बीच भी वोट की जरूरत नहीं है मांगने की मिलेगा सिर्फ बातचीत ही आपके चले पूरा आशीर्वाद हमारे क्षेत्र की जनता का सब लोग का मिल रहा है साहब को यहाँ के विधायक जी को। बाहर की हम तस्वीर बार बार देख रहे हैं जो जहाँ थोड़ी गाड़ी चलती है रुक जाती है साहब उतर जाते हैं आप नीचे उतर के चले जाते हैं क्या बातचीत होती है? बस लोग साहब से मिलते हैं बातचीत करते हैं और कहते हैं कि साहब चिंता मत करो चुनाव है आप तो 5 साल हमें दिए हैं हम चुनाव का समय हम आपको देंगे यहाँ से। हम देख पा रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं कार्तिक कुणाल वो भी लोगों के बीच में हाँ एक परिवार है तो परिवार के बीच में जाएगा ना कौन तो। साधना सिंह चौहान जी जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की धर्म पत्नी है और इस समय वो कह रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी अपने क्षेत्र में आए प्रचार के लिए आए लोगों से मिल रहे हैं लेकिन लोग उनसे कह रहे हैं कि आप पूरे प्रदेश में जाइए और यहाँ के चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है वो कार्यकर्ताओं की है। लेकिन फिलहाल हम बात करें साधना सिंह चौहान पूरे समय अपने परिवार के साथ अपने दोनों बेटों के साथ क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी और लोगों से मेलजोल का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन विजय सत्र के साथ राकेश चतुर्वेदी न्यूज 24 बुधनी। और इस समय प्रचार के पीछे को तस्वीर देखने को मिल रही है महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर यहां पर पहुंची हैं सिर पर कलश है और प्रचार के बीच कहां से आई अम्मा जी? गाँव कौन सा है ये कौन सी जगह? सीएम शिवराज सिंह चौहान बहनों के साथ जो कि सिर पर कलश रखकर यहाँ पर पहुँची हैं उनसे बातचीत करते हुए ठीक है पूरा आशीर्वाद दिया है भैया को इन्होंने कलश रखकर आई है इसका क्या मायने है? शगुन होता है कि हमारे भैया हमारे बीच में आए तो कलश लेकर के हमको जाना है। और देखिए कि छोटी बच्चियां हैं बेटियां हैं वो भी सिर पर कलश रखी हुई है
सामने रखे थे सिर पर कलश, सामने रखे थे यहाँ चुनाव जिताओ ताकि फिर अपन ये सारे काम अच्छे से आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ये तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद हैं, साधना सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो बीच में तस्वीरें इस तरीके की देखने को मिल जाती हैं, महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर यहाँ पर पहुंची हैं, और साधना सिंह चौहान कह रही हैं कि यह शगुन है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं। और अब हमारे साथ हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रचार लगातार कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम हो गई है, और अभी देखें कि सर सुबह से लेकर शाम हो गई, हम राला में हैं और जहाँ देख रहे हैं वहाँ पर माला ही माला नजर आ रही है। ये माला जनता का प्रेम है, ये फूल मेरे लिए अरबों लाखों से ज्यादा कीमती है जो जनता आशीर्वाद के रूप में मुझे दे रही है। और सर हम ये देख रहे हैं कि आपको जो भी बहनें मिल रही हैं कोई गुल्लक दे देता है, गुल्लक हाथ में पकड़े हुए हैं भांजियों की, इसमें गुल्लक में क्या है? इसमें चिल्लर है, उनने जमा किए हुए पैसे मुझे चुनाव लड़ने के लिए दिए है। ये अरबों की संपत्ति से ज्यादा बड़ी दौलत है, ये बेटियों का प्यार और आशीर्वाद है। सर किस लिए दिए है आप ये गुल्लक जमा करते जा रहे हैं? चुनाव लड़ने के लिए, ये मेरी क्षेत्र की जनता है, बहन और बेटियां हैं जो मुझे चुनाव लड़ने के लिए पैसे देती हैं। सर आप ये बुधनी में कितने दिन देने वाले हैं? बस आज आखिरी दिन है, कल फॉर्म भर के फिर यहाँ थोड़ी आऊंगा। चुनाव जनता लड़ेगी, मैं प्रदेश में चुनाव लड़वाऊंगा। तो मुझे प्रदेश में पहुंचेंगे? हाँ। कांग्रेस में क्या देख पा रहे सर, कांग्रेस के नेता कौन कौन कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं? अब मुझे क्या लेना देना, वो जहाँ जाए वहाँ जाए, मैं तो जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो हम एक और नई तस्वीर देख पा रहे हैं, जितने पुरुष हैं उससे अधिक महिलाएं हैं, ये इसे कैसे देखते हैं आप? वो मेरी सगी बहनाएं हैं तो भाई को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और देखें अब फिर हम कितनी जगह एक ही गांव में हर घर के बाहर 20-30-40 कदम की दूरी पर घर के बाहर आप देखें कि फिर ये माला लेकर और फूल लेकर लोग पहुंचते हैं। सर रिकॉर्ड की बात यहाँ पर चल रही थी, तो क्या रिकॉर्ड बनने जा रहा है बुधनी से? अब ये तो जनता जाने, आपका आकलन? नहीं, जनता का आशीर्वाद है, बाकी कोई रिकॉर्ड की बात नहीं। और बुधनी के बाद हम समूचे मध्य प्रदेश में बात करें तो क्या देखते हैं? रिकॉर्ड जीत का बनेगा। तो साहब समय बात करें, सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो सभा है जो लोगों के बीच सहजता से सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच जाते हैं, और तस्वीरों में आप साफ तौर पर यहाँ पर देख पा रहे हैं लोग जैसे ही अपने घर के बाहर मिलते हैं शिवराज सिंह चौहान रुक जाते हैं। लेकिन हाँ, शिवराज सिंह चौहान को रोड शो को लेकर, इस प्रचार को लेकर एक नई तस्वीर देखने को मिली है, लोग बहनें उन्हें राशि दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और शिवराज सिंह चौहान से लोग कह रहे हैं कि इस बार बुंदी से रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं रिकॉर्ड अकेले बुंदी से नहीं बनेगा बल्कि मध्य प्रदेश में बनेगा। रात हो गई है लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का प्रचार अभी जारी है, और रात के अंधेरे में आप देखें कि जो बेटियां हैं वो दिए की रोशनी के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करते हुए, और ये अलग तस्वीरें, अनोखी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अभी रात के बीच भी शिवराज सिंह चौहान पूरे परिवार के साथ, अपने दिन भर में हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी के स्टार प्रचारक एक सुपरस्टार बने हुए हैं। कैमरामैन विजय सिक्कर के साथ राकेश चतुर्वेदी। परिवार चलाते हैं, बुधनी उनका परिवार है, और बुधनी से उनकी 1 लाख से ऊपर भारी बहुमत से जीत रहेगी। आज तो विकास के काम गिनाने नहीं आए, रहती में ITI, रहती में कॉलेज, रहती में सीएम राज स्कूल, पूरा क्षेत्र हमारा परिवार की जैसा है। शिवराज मेरे महाभारत भारती के गुणगान गाएंगे, राष्ट्र वंदना के लिए हो जाओ तैयार अवध।